Over 800 tourists and at least 400 vehicles who were stranded at the Somgo Lake area following heavy snowfall have been rescued by the Trishakti Corps of the Indian Army. The rescued tourists are currently being sheltered at the army camps. The army has provided food and shelter to the rescued tourists. Meanwhile, civil administration officials are engaged in facilitating the return of tourists to Gangtok. So, big story coming in from Sikkim at this hour. Over 800 tourists and at least 400 vehicles who were stranded at the Somgo Lake area following heavy snowfall have been rescued by the Trishakti Corps of the Indian Army. The rescued tourists are currently being sheltered at the army camps. The army has provided food and shelter to the rescued tourists. Meanwhile, civil administration officials are engaged in facilitating the return of tourists to Sikkim capital Gangtok. इतना जोर का स्नोफॉल होना चालू हो गया कि हम लोग का कार वहीं पर ही स्टक हो गए. इतना सारा कार्स था अराउंड, मेरे हिसाब से 100 कार्स होगा जो सब एकदम स्टक हो गए थे. हम लोग हिल भी नहीं पा रहे थे. फिर वैसे वो मिलिट्री के कार्स ट्रक्स आए, हम लोगों को सबको रेस्क्यू करके एक एक कार से सब लोग को उठा उठा के हम लोग को सब एक रेस्क्यू कैंप पे लेके आए हैं. पर यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, हम लोग यहाँ सेफली रह सके. हम लोग को खाना कम्बल सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते. हम लोग इतने इतने कम माइनस डिग्री में रह हुए नहीं है. हम लोग नीचे कुछ हम लोग बचेंगे नहीं. अब एक ऐसा ही हो गया था कि हम लोग अब बचेंगे नहीं, बस अब जाने का टाइम आ गया. हम लोग का वहाँ से हम लोग बच के आ गए कि एटलीस्ट कल हम लोग गैंगटॉक पहुँच सके. वापस जाएंगे हमारे घर में दो दो बच्चे छोड़ के आए हैं, अब ऐसे ही लग रहा है पहुँच जाएंगे. And my colleague Prakash Adhikari joins us over the phone line for more updates. Well, Prakash, winter is here. Sikkim has been experiencing snowfall for the past few days now. Now, everything was picture perfect until heavy snowfall at the Somgo Lake area. It has left over 800 tourists stranded. Now, what we know as of now, the latest is that the stranded people, they have been rescued by the Trishakti Corps of the Indian Army. Over to you for more details, Prakash. जी हाँ अमृता, कल जो थांगु लेक एरिया में और बाबा मंदिर नथुला एरिया में कल शाम को हेवी स्नोफॉल हुआ. उसकी वजह से अबाउट 800 से ज्यादा टूरिस्ट और 400 से भी ज्यादा व्हीकल के ड्राइवर्स वहां पर फंसे हुए हैं. कल रात मिड नाइट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. त्रिशक्ति कोर जो आर्मी के है उन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया. तो अभी जो डाटा मिल रहा है कि 1217 टूरिस्ट एंड ड्राइवर्स वहां पर फंसे हुए थे और सभी को 17 माइल के जो आर्मी के कैंप है वहाँ पर रखा गया है. टोटल ड्राइवर और टूरिस्ट को मिला के 1217 नंबर से और सभी 17 माइल में आर्मी के कैंप में है. सभी सेफ है, सभी को सुरक्षित रखा गया है. खाना का व्यवस्था भी किया, शेल्टर की व्यवस्था किया और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया उन लोगों को. और अभी सुबह थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो सुबह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर मूव हो चुके हैं और उन लोगों को आज वहां से रेस्क्यू करके गैंगटॉक लाया जाएगा. मगर टेम्परेचर की बात करें तो इस साल के सबसे ठंडी मौसम आज गैंगटॉक में है. आज गैंगटॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री है. तो इससे पता चलता है कि थांगु और नथुला साइड में अभी भी माइनस डिग्री टेम्परेचर है. गैंगटॉक में ही आज 1 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां पर थांगु नथुला में और माइनस में टेम्परेचर चल तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा वहाँ से भी 17 मार्च तक गैंगटॉक लाने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है. थोड़ा धूप निकलने के बाद ही टूरिस्ट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 17 मार्च से गैंगटॉक लाएंगे. जी प्रकाश, इज देयर एनी चांस कि कुछ और टूरिस्ट, कुछ और लोग भी स्ट्रैंडेड हो सकते हैं उस अफेक्टेड एरिया में? और गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से कुछ इशू किया गया है, कोई नोटिस, एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दैट हैज बीन इम्पोज्ड? प्रकाश, दूसरे टूरिस्ट कोई फंसे होने की तो खबर नहीं है क्योंकि थांगु नथुला में कितने टूरिस्ट जाता है उसका टोटल डाटा सिक्किम पुलिस के पास होता है. तो ड्राइवर और टूरिस्ट मिला के अभी 1217 नंबर है. तो उन लोग सभी 17 माइल आर्मी के में उन लोग को सभी को रेस्क्यू किया जाएगा. वहां से आज 17 माइल से गैंगटॉक लाया जाएगा.
और आज थांगू और नथुला के लिए पासेस इश्यू नहीं किया गया है क्योंकि हेवी स्नोफॉल की वजह से जो रास्ता बंद है, इसलिए आज कोई भी टूरिस्ट को पासेस इश्यू नहीं किया गया। और दूसरी तरफ हम लासुंग नॉर्थ सिक्किम का भी बात करें तो वहाँ भी हेवी स्नोफॉल हुआ है, मगर वहाँ पर कोई टूरिस्ट फंसे होने की खबर नहीं है क्योंकि जो फ्लड की वजह से वहाँ का रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होने की वजह से कोई टूरिस्ट वहाँ पर नहीं गए, मगर कल लासेन और लासुंग में भी हेवी स्नोफॉल हुआ था। तो जो थांगू में जो 1217 लोग जो फंसे हुए टूरिस्ट ड्राइवर, उन सभी को आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांगटोक लाएंगे और आज कोई भी पासेस इश्यू नहीं किया गया तो मौसम ठीक नहीं रहा था, कल भी थांगू के लिए पासेस इश्यू नहीं करने की संभावना है। जी, और प्रकाश आपने बताया रेस्क्यू टूरिस्ट जो है वो अभी करेंटली दे आर शेल्टर्ड एट द आर्मी कैंप्स, उनको खाना प्रोवाइड किया गया है, फूड एंड शेल्टर हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। नाउ व्हाट इज द प्रेडिक्शन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या प्रेडिक्शन है इस तरह की हैवी स्नोफॉल इट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज? जी हाँ, मैंने पहले भी बताया इस साल गैंगटॉक सबसे कोल्डेस्ट डे है, आज 1 डिग्री सेल्सियस है गैंगटॉक में, इससे नॉर्मली जो कोल्ड होता है तो 2-3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, मगर आज 1 डिग्री सेल्सियस है। इससे पता चलता है कि थांगू और नथुला साइट तो माइनस पे चला गया है और मेट डिपार्टमेंट ने भी एक एडवाइजरी इश्यू किया है कि 1-2 दिन और ऐसा ही ठंड रहेगा और स्नोफॉल होने की संभावना है। सिक्किम की दूसरी जगह पर भी आप साउथ सिक्किम की ओर भी देखें तो वहाँ भी स्नोफॉल हुआ है, नॉर्थ सिक्किम में भी, तो थोड़ा इस बार थोड़ा जल्द ही इतना भारी स्नोफॉल हुआ है। इससे जनवरी फरवरी में स्नोफॉल होता था इतने बड़ी मात्रा में, मगर इस बार दिसंबर महीना में इतना बड़ा स्नोफॉल होना एक मौसम परिवर्तन का भी संकेत करता है।